दोस्तों आईपीएल 2020 शुरू होने में तो थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले होने वाला ऑक्शन और कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा। और ऑक्शन से पहले सभी टीम अपने बहुत सारे खिलाड़ियों को रिलीज कर देगा और कुछ भारी रकम लेके ऑक्शन में उतरेगा। और इस साल के ऑक्शन में बहुत सारे विदेशी खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं, तो सही खिलाड़ी खरीद के टीम में शामिल करना काफी मुश्किल होने वाला है। तो मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कुछ विदेशी खिलाड़ियों के बारे में जिनको केकेआर टीम में काफी जरूरत है और केकेआर टीम भी इनके पीछे जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप भी आईपीएल और क्रिकेट का फैन है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों 2019 के परफॉर्मेंस के ऊपर नजर रखते हुए केकेआर भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों को मिलाकर करीब 6 और 7 खिलाड़ी रिलीज करने वाले हैं। तो ऑक्शन से पहले पार्ट्स में 25 से 26 करोड़ तक रहने वाला है। तो अब उन पैसों में बहुत समझदारी के साथ केकेआर को खिलाड़ी खरीदना पड़ेगा। और जैसे कि आईपीएल के नियम अनुसार सिर्फ 4 ही विदेशी खिलाड़ी प्लेइंग 11 में खेल सकेंगे, तो ज्यादा विदेशी खिलाड़ी खरीद के बेंच में रखने का फायदा भी नहीं है। तो केकेआर अपने टीम के जरूरत के हिसाब से खिलाड़ी खरीदने वाला है। तो सबसे पहले जरूरत है क्रिस लिन के साथ पार्टनरशिप देने वाला एक भरोसेमंद ओपनर की। तो उस लिस्ट में 2 खिलाड़ी केकेआर के नजर में रहने वाला है, जो कि है लिंडन सिमन और जेसन रॉय। तो केकेआर टीम को एक परफेक्ट ओपनर की इस साल बहुत जरूरत है, क्योंकि सुनील नारायण क्रिस लिन के साथ ओपन करते तो है, लेकिन उनके फॉर्म सभी मैच में एक समान नहीं होता है। और ऐसे में केकेआर के मिडिल ऑर्डर को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए केकेआर टीम को इन दोनों खिलाड़ी में से एक खिलाड़ी टीम में शामिल करना बहुत जरूरत है। और अगर ओपनर पावर प्ले में खेल के टीम को अच्छा स्टार्ट दे सकता है तो टीम के बाकी खिलाड़ियों को काफी मदद मिलता है। उसके बाद आते हैं मिडिल ऑर्डर पे। तो केकेआर के करंट टीम में सिर्फ 2 ही भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर मौजूद है, नीतीश राणा और शुभमन गिल, लेकिन 2 खिलाड़ी काफी नहीं होते हैं, तो ऑक्शन में और भी खिलाड़ी खरीदना होगा। तो इस लिस्ट में भी 2 नाम है, ओएन मर्गन और बांग्लादेश के मोहम्मद नईम। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में हुआ इंडिया बांग्लादेश सीरीज में मोहम्मद नईम के परफॉर्मेंस को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस साल के ऑक्शन में ये खिलाड़ी अपना नाम दे सकते हैं और सभी टीम इनके लिए इंटरेस्ट भी दिखाने वाले हैं, क्योंकि इसी सीरीज में उन्होंने डेब्यू किया और सिर्फ 3 मैच खेल के 143 रन बना लिए, जिनमें एक अर्धशतक भी है। तो इंडियन पिच में जिस तरह का परफॉर्मेंस उनसे देखने को मिला, लग नहीं रहा था कि अपने डेब्यू सीरीज में खेल रहे थे। तो अगर मौका मिले इनको खरीदने का तो केकेआर ये मौका नहीं गंवाने वाला है। और दोस्तों ओएन मर्गन के बारे में हम सभी को पता है किस तरह का खिलाड़ी है, तो केकेआर को मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी संभालने के लिए इस तरह का बल्लेबाज सख्त जरूरत है। अब दोस्तों बात करें ऑलराउंडर्स के बारे में, तो कार्लोस बेतोइत को छोड़ने के बाद उस जगह पे केकेआर एक विदेशी खिलाड़ी जरूर खरीदने वाला है। तो उस लिस्ट में 3 नाम है, जिमी निसम, ग्लेन मैक्सवेल और क्रिस वोक्स। तो तीनों ही बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि केकेआर ऑलराउंडर में एक से अधिक विदेशी खिलाड़ी खरीदने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी विदेशी खिलाड़ी के रूप में आंदे रसल टीम में मौजूद है और सुनील लैंड भी थोड़ा बहुत ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देते हैं। ऑक्शन में केकेआर कुछ भारतीय ऑलराउंडर को भी खरीदने वाला है, तो इन तीनों में से केकेआर सिर्फ एक ही को खरीदने वाला है, जिनमें जिमी निसम का चांसेस बहुत ज्यादा है। आखिर में गेंदबाजों के बारे में बात करें तो उस जगह पे भी केकेआर लॉकी फर्गुसन को छोड़ने वाले हैं, तो एक विदेशी खिलाड़ी 100% टीम में जुड़ने वाला है। और जिनका सबसे ज्यादा चांसेस है वो है मिचेल, क्योंकि केकेआर टीम इनको खरीद के भी चोट के कारण नहीं खिला पाए थे, तो इस साल जरूर एक बार और खरीदने का प्रयास करने वाला है। और अगर केकेआर टीम हैरी गर्नी को छोड़ दे तो और 2 खिलाड़ी का नाम इस लिस्ट में है, जो कि है वेस्ट इंडीज का सेल्डन कॉटरेल और इंग्लैंड का लियाम प्लंकेट। तो दोस्तों जरूरत के हिसाब से ये कुछ खिलाड़ी का नाम था जिनको केकेआर इस साल टारगेट करने वाला है। तो आप नीचे कमेंट करके बताइए इनमें से किस खिलाड़ी को केकेआर टीम में सबसे ज्यादा जरूरत है। और दोस्तों ऑक्शन आप कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा, तो ऑक्शन के टाइम सभी टीम का डिटेल्स वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।